तपोवन स्थित विधानसभा भवन में शीतकालीन सत्र की तैयारियां अंतिम दौर में है। वहीं स्थानीय विधायक विशाल नेहरिया ने विधानसभा भवन का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान विभिन्न विभागीय अधिकारी भी उनके साथ थे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में विधायक विशाल नेहरिया ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि लोकतंत्र के मंदिर में मुझे बैठने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि पहले विधानसभा की कार्यवाही देखने आते थे, इस मर्तबा धर्मशाला के विधायक के नाते वह शीतकालीन सत्र में भू लेकर धर्मशाला के मुद्दों को उठाएंगे। उन्होंने कहा कि सदन में जितना भी समय दिया जाएगा उसी के आधार पर धर्मशाला के मुद्दे रखे जाएंगे। गौरतलब है कि तपोवन में शीतकालीन सत्र का आयोजन 9 से 14 दिसंबर तक किया जा रहा है, जिसके लिए जिला व पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इसी कड़ी में विधायक ने भी विधानसभा भवन का दौरा करके तैयारियों का जायजा लिया। धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया ने कहा कि तपोवन विधानसभा में 9 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र की तैयारियों का अधिकारियों के साथ जायजा लिया है। सत्र के दौरान धर्मशाला से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाया जाएगा। लोकतंत्र के मंदिर में मुझे बैठने का अवसर मिला है, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारी जनता ने कई अपेक्षाओं के साथ हमें विधानसभा भेजा है। इस वर्ष का जो शीतकालीन सत्र है आने वाले 9 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक चलने वाला है हमारे धर्मशाला में, और इस सत्र के लिए जितनी भी व्यवस्थाएं यहां पर चल रही हैं उन सारी व्यवस्थाओं का जायज़ा लेने के लिए आज हम विभागीय अधिकारियों के साथ आए हैं और सारी व्यवस्थाओं का जायज़ा भी हमने लिया है। और हम लोग बिल्कुल विधानसभा के लिए बिल्कुल तैयार हैं और सारी व्यवस्थाएँ बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही हैं। बिल्कुल जी, हम लोग इस विधानसभा सत्र में धर्मशाला के लिए कुछ एक बातें रखने वाले हैं और जैसे भी हम लोगों को समयकाल इस विधानसभा सत्र में मिलेगा तो सारे प्रश्नों को उठाया जाएगा। क्या मानते हैं कि पहले आप विधानसभा सत्र में जो है विधानसभा को देखने के लिए आते थे और आज पहली बार विधानसभा में बैठेंगे, क्या मानते हैं? ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस लोकतंत्र के मंदिर में मुझे बैठने का अवसर मिला है और निश्चित तौर पर जो हमारे आम जनमानस है उन लोगों ने कई अपेक्षाओं के साथ हम लोगों को भेजा है, तो उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए इस मंदिर में हम लोग आए और निश्चित तौर पे उनकी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। लाइव टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला ब्यूरो की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत